Hello everyone, so my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Exam, Commerce and Management. So I hope that you must have subscribed to our channel Anuj Jindal. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा जहाँ पे बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड हैं क्वेश्चंस की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बोथ कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पेपर वन सो डैट आप उन वीडियोज को देखें और आपको बहुत सारी हेल्प हो सके फॉर UGC NET Exam. So, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस दैट इज कम्युनिकेशन क्वेश्चंस. अब मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन के अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. उन्हीं में से कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं जो कि रिलेटेड हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Mr. P is a finance manager in Y Limited. He wishes to communicate to the marketing head of his company. What kind of communication he will be using? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आपसे बोला जा रहा है कि Mr. P एक फाइनेंस मैनेजर है Y Limited कंपनी में और वो उसी कंपनी के मार्केटिंग हेड्स के बंदे से बात करना चाहते हैं. तो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच ही विल बी यूजिंग. सो ऑप्शन को देखते हैं एक बार. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डायगनल कम्युनिकेशन. एक बार इन चारों ऑप्शंस को समझ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ही इन टर्म्स रिलेटेड आपको और क्वेश्चन देखने को मिले. सो एक बार टर्म्स को समझ लेते हैं. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं लेट अस से जेड लिमिटेड में और दो हेड्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं. वन लेट अस से इज फाइनेंस मैनेजर एंड द अदर इज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो ये आपकी दो टीम्स बनाई गई हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस मैनेजर की फाइनेंस टीम. अब अगर फाइनेंस मैनेजर बात करना चाहता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में एंड दे आर एट द सेम लेवल, ये दोनों लेवल ऑफ मैनेजर्स सेम हैं, जब भी सेम लेवल ऑफ पे कम्युनिकेशन किया जाता है दो लोगों के बीच में तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं. वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम अप टू डाउन और फ्रॉम डाउन टू अप वाइस वर्सा. सो कभी भी कोई बॉस है वो अपने सुबॉर्डिनेट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है या फिर कोई सुबॉर्डिनेट है वो बॉस से कुछ परमिशन लेना चाहता है तो इस केस में हम वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे. तो हमें बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो भी ऐसी कम्युनिकेशन जो दो दोस्तों के बीच में होती है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होती है जो ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड्स फॉलो नहीं करती है उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. आपको ध्यान हो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज की जाती है और वहां पे स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कमांड फॉलो की जाती है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है. लास्ट ऑप्शन है डायगनल कम्युनिकेशन. लेट अस से इसी एग्जांपल में समझते हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर है और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर है. अब एक फाइनेंस मैनेजर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से बात करनी है, मतलब एक नीचे लेवल पे बात करनी है, लेट अस से सेक्रेटरी से कुछ पूछना है तो ये इस टाइप का कम्युनिकेशन या इस टाइप का एंगल फॉलो होगा और इसे हम डायगनल कम्युनिकेशन कहेंगे. मतलब जब एक हायर लेवल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट्स टू अ लोअर लेवल और अ सेकेंडरी लेवल इन द अदर डिपार्टमेंट वी कॉल इट एज डायगनल कम्युनिकेशन. तो ये चार टाइप की कम्युनिकेशन है. यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर एक मार्केटिंग हेड से बात कर रहा है विच आर एट द सेम लेवल. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए. इसी तरीके से अगर हम सारे ऑप्शंस को धीरे धीरे समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आने वाले क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे. लेट अस हैव अ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ. Two employees are working together on a project and they do not communicate with each other because of lack of trust between them. What kind of barrier is involved in this case? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो लोग हैं जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बट वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते चीजें ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट. तो किस टाइप का बैरियर है? आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरी मेरे कलीग से नहीं बनती, मेरी मेरे कलीग के साथ मैं काम नहीं कर पाता, मेरी मेरे कलीग के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं है. ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ पर्सनल ग्रजेस की वजह से, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से आप उसके साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते. तो ये किस टाइप का बैरियर है ये हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. साइकोलॉजिकल बैरियर, जब भी आपकी मेंटल स्टेट से रिलेटेड किसी टाइप का बैरियर होता है तो उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं. पर्सनल बैरियर, जब आपकी कुछ पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस या कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से जब कोई कम्युनिकेशन में बैरियर आता है तो उसे हम पर्सनल बैरियर कहते हैं. सिमेंटिक बैरियर, जैसे कि हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि सिमेंटिक बैरियर वो होता है जो वर्ड्स से रिलेटेड होता है, वर्ड्स या सिंबल से रिलेटेड, ये बोथ ओरल एंड रिटन हो सकता है तो उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं. और लास्ट
ऑर्गेनाइजेशनल वेरियर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क से रिलेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत हायरकी फॉलो होता है, बहुत स्ट्रिक्ट हायरकी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जहां आपको बार बार हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को जन्म देता है. ये चार टाइप के बैरियर हैं. यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो बैरियर है कम्युनिकेशन में, वो इसलिए है क्योंकि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को ट्रस्ट नहीं कर पाता है, जो कि एक पर्सनल मैटर है, जो कि पर्सनल इशू है. तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज पर्सनल बैरियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ प्लम्बर टेल्स यू टू हैंड ओवर हिम द स्पैनर्स फ्रॉम हिज बैग एंड यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सेम, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर टुक प्लेस. सो स्पैनर एक टाइप का टूल है जो एक प्लम्बर को चाहिए होता है चीज़ें खोलने के लिए, चीज़ें नट को टाइट करने के लिए, अदर चीज़ें करने के लिए. तो यहाँ एक टेक्निकल वर्ड का यूज़ किया जा रहा है जो कि प्लम्बर को पता होगा बट आपको नहीं पता होगा एज अ कॉमन मैन. तो यहाँ पे किस टाइप का बैरियर है ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा रहा है. ऑप्शंस को देखते हैं. अनक्लेरिफाइड अजम्पशन, या हमने कोई भी अजम्पशन नहीं ली थी, किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट नहीं किया था, इसलिए अनक्लेरिफाइड अजम्पशन तो आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट टेक्निकल जागर, ये आंसर हो सकता है क्योंकि स्पैनर जो एक वर्ड है ये एक टेक्निकल टर्म है जो बहुत ही कॉमन होगा प्लम्बर्स की लाइन में, बट एज अ कॉमन इंडिविजुअल हमें ये टर्म नहीं पता है. और ऑप्शन भी देख लेते हैं. एटीट्यूड इशू, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से हमें चीज़ें समझ में नहीं है. और चौथा लैक ऑफ अवेयरनेस, ये हो सकता है बट ये क्योंकि एक कॉमन चीज़ नहीं है जो हमें पता होनी चाहिए थी और हमें उसकी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता. तो जो क्लियर कट आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो है टेक्निकल जागर. अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना चाहूँगा कि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप जल्दबाजी ना करें, चारों टर्म्स को ठीक से समझने की कोशिश करें, उनके करेक्ट मीनिंग को इंटरप्रेट करें और फिर जवाब दें. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी, टेक्निकल जागर हो जाएगा. चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. अ 21 गन सैल्यूट ऑन द वेलकमिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पता होने चाहिए. अब आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या किसी बड़े गेस्ट स्पीकर का आगमन होता है तो उसे 21 गन सैल्यूट दी जाती है. ये एक मिलिट्री नॉर्म है. अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है, इसके लिए हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. सो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शन. फर्स्ट इज क्रोनोमिक्स. क्रोनोमिक्स जो टर्म है ये एक टर्म है जो डिनोट करता है कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू टाइम. सो कई बार आपने सुना होगा कि कई बार हमें बॉसेस को कांटेक्ट करना होता है तो हमें एडिक्यूएट टाइम और सूटेबिलिटी देखनी पड़ती है. अब अगर ऑफिशियल लाइंस का जो टाइम है वो है 9 AM to 6 PM, सो हमें इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही बात करनी पड़ती है. इल्स हमारा जो कम्युनिकेशन है उसे कंसिडरेबल नहीं माना जाता, उसे माना जाता है कि ये प्रॉपर एटिकेट्स नहीं है कि हम ऑफिशियल टाइम के बाद ऑफिस के कॉल करें किसी को. तो उस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को क्रोनोमिक्स कहते हैं. जब हम काइनेसिक्स की बात करते हैं तो काइनेसिक्स इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड काइनेटिक्स, और जिसे हम कहते हैं बॉडी मूवमेंट्स. तो जब भी आप कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन योर मूवमेंट्स, बेस्ड ऑन योर जेस्चर्स, तो उसे काइनेसिक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. हैप्टिक्स, अगेन ये एक टर्म है जो आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हैप्टिक्स वर्ड हैज बीन डिराइव्ड और इज नोन एज टच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. जब भी हम किसी के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हग्स, हैंडशेक्स, ये सब, तो जब भी हम इस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू टचिंग द अदर पर्सन, इट इज नोन एज हैप्टिक्स. और लास्ट मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर होता है या फिजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेट करने. तो यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं कि 21 गन सैल्यूट दिया गया है जहाँ में हमने गन्स का इस्तेमाल किया है एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने में कि somebody वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट हैज अराइव्ड. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी. सो आप देख रहे हैं कि अगर हम चारों टर्म्स को समझें तो अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आए इन टर्म्स से रिलेटेड हम उसे इजिली आंसर कर पाएंगे. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर एक्स इज अ प्रोफेशनल वर्किंग इन एन ऑनलाइन स्टार्टअप www.anujindal.in. Which of the below elements would help him having an effective communication in organization? So, कई बार आपको statement based questions भी मिल सकते हैं जिसका example एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि Mr. X एक professional हैं जो कि online startup www.anujindal.in में काम कर रहे हैं. इनमें से कौन से ऐसे elements हैं जो उनको effective communication करने में help करेंगे. Let us have a look at the statements now.
मिस्टर एक्स मस्ट सप्लीमेंट हिज वर्बल कम्युनिकेशन विद अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. बिल्कुल ठीक बात है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेस्टर्स मूवमेंट, ये इन अकॉर्डेंस विद वर्बल होने चाहिए. मतलब अगर हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो बोथ वर्बली और बॉडी लैंग्वेज हमारी पॉजिटिव एक्सप्रेशन को ही दिखानी चाहिए. तो ये इसे सप्लीमेंट करेगा कम्युनिकेशन के, तो ये तो बिल्कुल ठीक है. सेकेंड, वेरिफिकेशन ऑफ रेसिपिएंट्स वेदर दे हैव अंडरस्टूड द कम्युनिकेशन ऑफ नॉट. जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ लेते हैं तो उसमें एक लास्ट स्टेप होता है फीडबैक. फीडबैक बहुत ही जरूरी है ये जानने के लिए कि जो सामने वाले ने चीज़ों को समझा है वो उसने करेक्ट फॉर्म में समझा है. तो अगेन ये एक अच्छी चीज़ है, ये सप्लीमेंट करेगी कम्युनिकेशन को. थर्ड, एलिमेंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. सो पैरा लैंग्वेज होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीच. फॉर एग्जांपल, आप कितनी स्पीड से बात कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बात करने की, आप वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं कि नहीं. वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है स्पीचेस देने में. सो कई बार आप कुछ ऐसी स्पीचेस सुनते हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक होती है, बहुत ज़्यादा उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, प्रॉपर पॉज लेके बात की जाती है. और कुछ आप ऐसी कम्युनिकेशन या स्पीचेस सुनते हैं जो बहुत ही लाउजी होती है, तो आप भी बोरिंग होने लगते हैं. तो इसलिए पैरा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. और जो भी अच्छे ओरेटर्स हुए हैं दे ऑल हैव टेकन स्पेशल केयर फॉर दिस पैरा लैंग्वेज एलिमेंट. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लिसनिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पीकिंग इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बिल्कुल ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आप उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे और वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाएगा. तो इसलिए ये चारों जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये किसी न किसी फॉर्म में प्रमोट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स. सो आई होप जो ये हमने आज क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस किए हैं कम्युनिकेशन के, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे यूजीसी नेट एग्जाम में. मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, और हम कुछ फ्री स्टडी मटेरियल की PDFs भी उसमें प्रोवाइड करेंगे. अगर आपको लगता है कि आज की ये जो वीडियो है इससे आपने कुछ नया सीखा है और आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुज जिंदल. टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे.